विश्वास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी के अपमान पर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा पहले इटालियन महिला अब एक इटालिया आया है। कर्नाटक के हासन में टेम्पो ट्रेवल और दूध की गाड़ी में आमने सामने से जोरदार टक्कर, हादसे में 9 लोगों ने गंवाई अपनी जान। रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका में वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया तर्क। आरजेडी विधायक इजहार अस्पी ने दिया बड़ा बयान, विधायक बोले तेजस्वी यादव जल्द बनेंगे सीएम। हिमाचल प्रदेश में अमित शाह का जनता को संदेश, का हर चुनाव में दलों को बारी बारी से सत्ता में लाने को रुझान के बदले हिमाचल की जनता। छात्रा की यात्रा पर बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, कॉलेज की छात्रा की हत्या से टूट गया, अब ऐसा दोबारा ना हो। अशोक गहलोत ने भाजपा पर कसा तंज, कहा कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बदनाम कर सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी। बिहार में भयावह हो गया डेंगू, पटना ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 482 नए मरीज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर किया वार, कहा टूट रही पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले उनके नेता। पीएम मोदी के खिलाफ ललन सिंह के बयान पर पलटे तेज प्रताप, कहा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे सर मेरे नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रचार में बोले शशि थरूर। रामदेव का बड़ा बयान, सलमान ड्रग्स लेता है, कहा एक्ट्रेस का भगवान ही मालिक, इस्लाम पर भी बोले। सियासी विवाद के बाद पहली बार राहुल से मिले गहलोत, राजस्थान में 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम पर दी सफाई। सीएम शिवराज की सलाह, हिंदी में लिखे दवाओं के नाम, भोपाल में बोले दवा पर्चे पर ऊपर श्रीहरि, नीचे हिंदी में क्रोसी लिखे। चीन बॉर्डर पर लापता हुए अरुणाचल के 2 युवक, मेडिसिनल प्लांट की तलाश में गए थे, 50 दिन बाद भी वापस नहीं आए। वाराणसी में मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बीजेपी नेता की हत्या और उनके बेटे पर जानलेवा हमले के मामले में थी तलाश। बलिया में पुलिस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल, मेले से उठा लाया था लड़की को, लहूलुहान हालत में सड़क पर फेंक दिया था। गाजियाबाद में दुष्कर्म कर बच्ची को रेल लाइन किनारे फेंका, बच्ची की पहचान को पुलिस ने 7 किलोमीटर रेल लाइन खंगाली, हालत है गंभीर। बस्ती में जलस्तर घटने से खटान, संक्रामक बीमारियों का बड़ा खतरा, खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर प्रभावित हो रही सरयू।
बुलंदशहर के अपहरण व्यापारी को वहापुर छोड़ भागे बदमाश, आईजी खुद बरामद करने पहुंचे, सीएम तक पहुंचा था मामला। फतेहपुर में जहर खाने से महिला की मौत, भाई ने अंतिम संस्कार से रोका, बोला ससुराल ने जहर देकर की बहन की हत्या। पेट धांधली में प्रयागराज के शिवम को तलाश रही एसटीएफ, उन्नाव में पकड़े गए दो अभ्यर्थियों को सालवर तक ले गया था। देवरिया में पेट्रोल पंप मालिक से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, गैंगस्टर तारबाबू कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार। उन्नाव में युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या, पिता घर पर नहीं था, पुलिस बोली मानसिक तनाव में था, परिजनों से हो रही है पूछताछ। श्रावस्ती में कच्चे दीवार गिरने से मासूम की मौत, आंगन में खेल रहा था मासूम, मलबे में दबने से मासूम की गई जान। महाराजगंज में अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, बोली डॉक्टरों की लापरवाही से गई जान। जालौन में दो बहनों की नाले में डूबने से मौत, छोटी बहन को बचाने बड़ी डूबी, गोताखोरों ने दो घंटे मशक्कत के बाद बरामद किया शव। मिर्जापुर में ओवरलोडिंग में पट्टा धारकों पर शिकंजा, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चला अभियान, 31 वाहन पकड़े गए। संभल में एसटी लाइन के नीचे खड़े ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, ट्रक मालिक को 3 लाख का नुकसान। हिंदुत्व को धार देने में जुटा संघ, प्रयागराज में महामंथन संघ का अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल के 4 दिवसीय बैठक शुरू। मैनपुरी में गन प्वाइंट पर किशोरी से रेप, घर में घुसकर की शर्मनाक वारदात, पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी फरार। बागपत एडीएम ने की मावा पट्टियों पर छापेमारी, पाउडर से बनाए जा रहे मावों को कराया नष्ट। बिजनौर में दूसरे की जगह पेट देने आए सालवर गिरफ्तार, 10,000 लेकर आया था परीक्षा देने, साथ में आया था दलाल। आजमगढ़ में घाघरा का एक और बांध टूटा, जोखरा के रिंग बांध टूटे से भरा लोगों के घरों में पानी, प्रशासन मौके पर पहुंची। बर्थडे पार्टी में गई युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाकर लगाया जाम, पुलिस की कार्यशैली में दिखे काफी झोल। हरदोई में घायल युवक को एसडीएम ने पहुंचाया अस्पताल, हाईवे पर गिरकर तड़प रहा था बाइक सवार, ड्यूटी से लौट रहे थे एसडीएम। हापुड़ में हर्बल उत्पाद कारोबारी 1.40 करोड़ हड़पे, 4 लोगों पर एफआईआर, प्लॉट दिखाने के नाम पर लिए थे रुपए। हरदोई में छज्जा गिरने से 3 बच्चे घायल, ग्रामीणों ने मशक्कत कर मलबे से निकाला बाहर, गंभीर हालत में 3 मेडिकल कॉलेज रेफर। अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, बरेली में पुलिस ने बड़े अफीम तस्कर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुशीनगर के दंगल में पहुंचे सांसद रवि किशन, दंगल में ठोकी ताल, कन्नौज और कुशीनगर के सांसद और खड्डा विधायक को दी चुनौती।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, ट्वीट में लिखा यूपी में 39 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीनेशन। खत्म हो इंद्रजाल का तिलिस्म, मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का निधन, किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जादूगर ओपी शर्मा। कार्यकर्ता के बीच में बोलने से भड़के कैबिनेट मंत्री, कहा हमसे बड़े नेता हो तो बोलो नहीं तो सुनो माइक फेंका। अलीगढ़ के कमिश्नरी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया को क्या संबोधित, कहा विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है अलीगढ़। बहराइच के मटेरा पहुंचे भारतीय तौलिक राठौर, मटेरा को नगरपालिका घोषित करने की उठी मांग, मटेरा विकास कार्यों में बहुत पीछे। उत्तराखंड में अखाड़ा परिषद का अभिनंदन समारोह का बहिष्कार, पट्टाभिषेक पर रोक के बाद आज केदारनाथ जाएंगे अभिद्वेश्वरानंद। उत्तराखंड में बीती रात खाई में गिरी स्कॉर्पियो, दो स्कॉर्पियो सवारों की दर्दनाक मौत। बद्रीनाथ पहुंचे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, कहा मस्जिद नशीले पदार्थों का गोदाम, देश में बिकवाया जा रहा है नशा। उत्तराखंड में घुमाने के बहाने पति को लाया हरिद्वार, महिला गिड़गिड़ाती रही लेकिन नहीं माना, किया प्राकृतिक दुष्कर्म। चीन से आ रही नदियों को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने जताई चिंता, का सुरक्षा की दृष्टि से लगाए उपकरण। कैलाश विजयवर्गीय दे बूथ सशक्त तो देश सशक्त का महामंत्र, पंडा प्रमुखों को दिए टिप्स। केदारनाथ यात्रा में बाबा केदार के दर्शनों को उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, 12 दिन में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा यात्री। यूके ट्रिपल एससी के नवनियुक्त अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया बोली युवाओं में आयोग के प्रति फिर विश्वास जगाना प्राथमिकता। नौ यात्री लेकर दिल्ली गई लग्जरी इलेक्ट्रिक बस, परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हिमस्खलन की घटना में रेस्क्यू में लगे वायुसेना के हेलीकॉप्टर, लौटाए दो प्रशिक्षु, पर्वतारोही तलाश जारी। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर तीन शंकराचार्यों का किया गया पादुका पूजन, 200 वर्ष में आया ऐसा अवसर। उत्तराखंड के देहरादून में विशेष समुदाय के दो युवकों ने दो युवतियों के साथ किया दुष्कर्म, बनाई अश्लील वीडियो। उत्तराखंड में ट्यूशन से घर लौट रही दो छात्राओं से दो युवकों ने की छेड़छाड़, दोनों आरोपित गिरफ्तार। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के भाई के घर 1 करोड़ की डकैती, महिलाओं को बंधक बनाकर 1 घंटे तक की लूटपाट। उत्तराखंड पशु मेले में भी लगी लंपी वायरस, पंतनगर में देश के सबसे पुराने मेले का इस बार आयोजन नहीं। नेपाल के प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यमोहन जोशी का निधन, शताब्दी पुरुष के रूप में थे सम्मानित।
भले वो हिंदुस्तान के मंत्री है लेकिन मैं उनकी तारीफ करता हूँ, जयशंकर के फैन है इमरान खान। यूक्रेन में इंटरनेट सेवाएं रोकने के संकेत, मस्क बोले अब अमेरिकी सरकार चुराए स्टारलिंक का बिल। बाइडेन के सबसे खतरनाक देश वाले बयान पर पाकिस्तानी पीएम ने दिया जवाब, का हमारे पास परमाणु हथियार है, किसी को कोई शंका ना हो। अमेरिका के बाद पड़ोसी देश मैक्सिको में बंदूकों का कहर, 12 लोगों को गोली मारकर हत्या। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग, राष्ट्रपति जिनपिंग बोले ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल बर्दाश्त नहीं। ईरान में प्रोटेस्ट का एक महीना, तेहरान की इवन में जेल में आग, जेल की तरफ बड़ा हुजूम, खेमनई के खिलाफ नारेबाजी। रूस के मिलिट्री बेस पर हमला, 11 सैनिकों की मौत, 15 घायल, 8 दिन पहले यूक्रेन ने उड़ाया था कर्ज ब्रिज। सावधान, लौट रहा है कोरोना, WHO और यूरोपीय ECDC ने दी चेतावनी, बढ़ रहे संक्रमण के नए मामले। यूक्रेन को अंधेरे में डुबाने की तैयारी में पुतिन, रूस ने कीव के मुख्य बिजली संयंत्र पर दागी मिसाइल। पीएम मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च की, देश के 75 जिलों में मिलेगी सुविधा। देश ये बड़ा मोबाइल फोन का निर्यात, सितंबर में मोबाइल फोन निर्यात पहली बार 8,000 करोड़ रुपए पार, 200% हुई ग्रोथ। एप्पल ने अफोर्डेबल आईफोन SE की बढ़ाई कीमतें, 6,000 रुपए महंगा हुआ स्मार्टफोन। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया एस्प्रेसो SCNG, 32.373 किलोमीटर प्रति हावर माइलेज देगा माइक्रो SUV। CBI ने दाखिल की चार्जशीट, DHFL के पूर्व CMD व 74 अन्य को बनाया आरोपी। HDFC बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित, मुनाफा 20% ज्यादा, NII ने 19% बढ़ा। IRO के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 1,317 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। देश में अनाज भंडार 5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, गेहूं चावल के बढ़ेंगे दाम। भारतीय रेलवे की बड़ी कामयाबी, देश में 851 किलोमीटर बाड़ग्रेज लाइन पर किया विद्युतीकरण। IMF ने देश को विदेशी मुद्रा भंडार बनाने की दी नसीहत, कहा इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो। आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में कुंसल मेंडिस के कैच ने लूटी महफिल। ग्यारह साल के गेंदबाज की गेंदबाजी देखकर उड़े रोहित शर्मा के होश, नेट्स पर बॉलिंग के लिए बुलाया।
ओडिशा के एथलीट सबिता टोप्पो ने एशियाई यूथ एथलीट चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। वर्ल्ड कप के पहले मैच में बड़ी उलटफोर, नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से हराया, ऑलराउंडर्स ने पलटा पासा। श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, स्टार तेज गेंदबाज दर्शान मधुशंक टी20 वर्ल्ड कप 2022 से हुए बाहर। पाकिस्तान के खिलाफ पंत कर सकते हैं ओपनिंग शाहीन और नवाज से निपटने की स्ट्रेटजी, नए रोल के लिए ऋषभ तैयार। भारत ने 7वीं बार जीता विमेंस एशिया कप, फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराए, मंधाना ने बनाए नाबाद 51 रन। बटलर निकले क्रीज से बाहर तो मिचेल स्टार्क ने दी दीप्ति का नाम लेकर दे दी चेतावनी। इंडियन वीमेंस टीम ने एशिया कप जीतने के बाद कमाल का किया सेलिब्रेशन, बीसीसीआई ने टीम के जश्न का वीडियो किया जारी। बीसीसीआई से छुट्टी के बाद कैप के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे सौरव गांगुली, खुद किया ऐलान। हैदराबाद पहुंची रश्मिका मंदाना, सामी सामी गाने पर किया डांस, स्टाइलिश लुक में आई नजर। लैक्मे फैशन वीक में बोल्ड लुक में दिखे मलाइका अरोड़ा, यूजर्स ने कमेंट किया जबरदस्ती जवान दिखने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने की मलाला की तारीफ, कॉमेडियन हसन मिनहाज को अनफॉलो करने पर किया सपोर्ट। रणवीर सिंह का एयरपोर्ट लुक आया सामने, ग्रीन सूट में दिखा डैशिंग लुक, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। लंबे समय बाद दिखे पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा, एयरपोर्ट पर हाथ पकड़े नजर आए, फैंस ने कहा क्यूट कपल। उर्वशी रौतेला आई ट्रोलर्स के निशाने पर, सोशल मीडिया यूजर्स ने टेट एक्स टॉक की स्पीच चुराने का लगाया आरोप। मिली का ट्रेलर रिलीज, फ्रीजर रूम में मौत से जूझती नजर आई जानवी कपूर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है ये फिल्म। माधुरी को सुनने पड़े थे ताने, लोगों ने कहा तुम एक माँ हो, तुम्हें सब कुछ छोड़कर बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। नहीं रहे ब्लैक फ्राइडे के एक्टर जितेंद्र शास्त्री, संजय मिश्रा ने वीडियो शेयर कर दी श्रद्धांजलि। तुषार कपूर ने बताया डेब्यू फिल्म से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, कहा मैंने करीना का घंटों इंतजार किया। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।